आजम नगर बाजार में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का आदेश निर्गत होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। बुधवार को अंचल पदाधिकारी संजय कुमार तथा थानाध्यक्ष राजीव झा के नेतृत्व में पुलिस बल ने हॉस्पिटल चौक से मस्जिद चौक तक फ्लैग मार्च किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थानाध्यक्ष राजीव झा के नेतृत्व में पुलिस बल ने हॉस्पिटल चौक से मस्जिद चौक तक फ्लैग मार्च निकाला। संबंधित दुकानदारों को 5 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया, अन्यथा अगले दिन प्रशासन विद्युत बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। इधर मामले को लेकर आजमनगर थानेदार राजीव कुमार झा ने बताया कि बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी थी, पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित दुकानदारों के द्वारा कहा गया कि 5 दिन समय दिया जाए। इस संदर्भ में लिखित सहमति पत्र के आधार पर समय दिया गया है, आगे अंचल पदाधिकारी की सहमति से अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की जाएगी। सर आज आज अतिक्रमण मुक्त कराना था और हम लोग इस दिशा में कार्रवाई भी किए हैं। आज हम लोग लगभग मोर देन 60% 168 आदमी अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसमें से लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपना अतिक्रमण खाली कर दिया है स्वेच्छा से, हमारे नोटिस के असर से। और आज हम लोगों ने लोगों के आग्रह पर लोग आग्रह किए कि हम लोगों को 5 दिनों का समय और दे दिया जाए, तो हम लोगों ने 5 दिनों का समय दिया है। अगर वो अपना संरचना को हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम लोग बलपूर्वक खाली करा।